अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक त्योहार विजयदशमी की तैयारियां पूरे जोरों से चल रही हैं। 15 अक्टूबर को इस बार दशहरा है, ये आप देख रहे हैं रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले हैं जो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार चूंकि पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी कोरोना काल के चलते विजयदशमी का रूप भी है वो बदल गया है, लेकिन फिर भी चूंकि रस्म तो निभानी है, तमाम रामलीला कमेटियां, हम पानीपत की बात करें, पूरे हरियाणा की करें, पंजाब की करें, चंडीगढ़ की करें, सभी जगह पे जो जो रामलीला कमेटियां, जो दशहरा मनाने वाली समितियां, वो अपना काम तेजी से पूरा करें ताकि 15 अक्टूबर को दशहरे को पूरे उल्लास और पूरी परंपरा के साथ निभाया जा सके। हालांकि इस बार रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई कम की गई है। मैं पानीपत की बात करूंगा, पानीपत में इस बार 25 फीट का रावण का पुतला होगा और 20 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के, हाइट को लगभग आधा किया गया है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से जो अनुमति है कि भीड़ इकट्ठा नहीं करनी, 200 से लोग ज्यादा नहीं होंगे, उसी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आपको एक रोचक बात ये बताते हैं कि अद्भुत रामायण में लिखा है कि रावण एक नहीं रावण दो थे, एक दशानन जिसके 10 शेर थे उसका भगवान श्री राम ने वध किया था, जिसके रूप में हम विजयदशमी के रूप में जिसको मनाते हैं, दूसरा सहस्र रावण था, सहस्र रावण मतलब जिसके 1000 शेर थे। अद्भुत रामायण में ये प्रसंग है, ये उल्लेख है बकायदा कि सहस्र रावण जो 1000 सिर थे जिस रावण के, वो बड़ा भाई था, दशानन जिसके 10 सिर थे वो छोटा भाई था। जब दोनों भाई छोटे थे तो उनमें आपस में झगड़ा होता था, जैसा अक्सर परिवारों में बच्चों में होता है। माता ने सहस्र को ये कहा कि तुम किसी दूसरी जगह पर जाकर रहो, तो सहस्र रावण जो था वो पुष्कर में चले गए। इसी दौरान जब सहस्र को पता लगा कि उसके छोटे भाई दशानन का भगवान श्री राम ने वध कर दिया है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ, उसने राम जी की सेना पर आक्रमण कर दिया। लेकिन महर्षि नारद ने भगवान श्री राम को ये बता दिया था कि सहस्र रावण का वध सिर्फ कोई नारी ही कर सकती है, कोई स्त्री कर सकती है। उस वजह से माता सीता ने, चूंकि दशानन का वध कर चुके थे भगवान राम, विजय हासिल कर चुके थे, लेकिन सहस्र रावण को मारना राम जी के लिए मुश्किल काम था, जैसा कि उल्लेख किया गया है अद्भुत रामायण में, तो माता सीता ने त्रिलोकी शक्ति का स्मरण किया, उनको ये कहा कि सहस्र रावण का नाश करना जरूरी है, तभी धर्म की पताका फहराती रहेगी। त्रिलोकी की शक्ति ने सीता में काली का रूप धारण किया और माता सीता ने काली रूप धारण करके सहस्र रावण का वध किया था। भगवान राम ने दशानन का और उस दशानन के बड़े भाई सहस्र जिसके 1000 सिर थे, उसका वध माता सीता ने काली माता के रूप में किया था। माता सीता का क्रोध जब शांत हुआ, तब श्री राम जो बेसुध हो गए थे सहस्र रावण से लड़ते हुए, तब वो उठे और पति पत्नी का मिलन हुआ, जिसको हम भगवान राम और माता सीता कहते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।